पर हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब अनुष्ठान पीएम ने किए मुख्य यजमान बनने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो पीएम ने साउथ के दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में उन तमाम मंदिरों का दौरा किया था जिनका जुड़ाव प्रभु श्री राम से है, और तब ये माना गया था कि पीएम ने राम मंदिर के साथ साथ दक्षिण और नॉर्थ यानी कि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम किया था। एक जो खाई पैदा करने की कोशिश की गई थी, नॉर्थ और साउथ में जो दूरी बनाने की कोशिश की गई थी, उस दूरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म करने की कोशिश की थी। और देखिए, आप चाहे चुनाव हो या चुनाव से इतर प्रधानमंत्री के बयान हो, पीएम साउथ पर फोकस भी नजर आते हैं। और ये राम मंदिर ऐसा केंद्र बना जिससे पीएम ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम किया। रामलला की मूर्ति कर्नाटक के कारीगर के द्वारा बनाई गई और वो भगवान हनुमान की धरती है, इसीलिए कहा गया कि भक्त हनुमान की धरती से रामलला की मूर्ति जो है वो बनकर तैयार हुई है, खास पत्थरों से बनकर तैयार हुई है। और अब प्रधानमंत्री देखिए साष्टांग प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जब जब रामलला के दर पर आए हैं, याद करिए वो वक्त जब यहाँ भूमि पूजन होना था, रामलला के दरबार में जब भूमि पूजन होना था, जब नींव रखी जा रही थी, उस वक्त भी ऐसे ही साष्टांग प्रणाम पीएम करते हुए नजर आए थे। याद करिए 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब पीएम रामलला के दरबार में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी पीएम ने ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किए थे। और एक बार फिर जब पीएम रामलला के दरबार में पहुंचे हैं, 22 जनवरी के बाद ऐसा पहली बार है जब पीएम रामलला के दर पर पहुंचे हैं, तो साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए, पीएम समय समय पर राम मंदिर से जुड़े हुए जो वीडियोस थे, जो भजन थे, वो पीएम ने कई बार शेयर किए थे। कितना भावुक पल था ये पीएम के लिए। ये पीएम ने 22 जनवरी 2022 को अपने भाषण में बताया भी था कि अब हमारे रामलला आ गए हैं, हमारे 500 साल का जो इंतजार था, जो हिंदू धर्म में जो सनातनियों का 500 साल पुराना इंतजार था, रामलला टेंट में विराजमान थे, टेंट से रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करवा दिया गया है, भव्य महल में विराजमान करवा दिया गया है। और पीएम जरूर ये कहते हैं कि देखिए ये बहुत अनोखा पल है। और अब जब पीएम रामलला के दरबार में पहुंचे हैं, तो उनकी पूजा करने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। और इसके देखिए बार बार हम सियासी मायने इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये दौरा पीएम का ठीक चुनावों के बीचों बीच हुआ है। दो चरण के चुनाव बीत चुके हैं, तीसरा चरण का चुनाव 7 मई को होना है, और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे हैं, रामलला के दर पर पहुंचे हैं, अयोध्या में रोड शो करेंगे, तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। और राम नाम की जो लहर है या राम नाम की सुनामी जो क्रिएट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उसका कहीं ना कहीं जो माइलेज है वो बीजेपी को इन चुनावों में मिल सकता है। इसलिए विपक्ष इस पर जरूर कटाक्ष करता है, विपक्ष जरूर इस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए, रामलला की मनमोहक सूरत आपके सामने है, मनमोहक तस्वीर रामलला की आपके सामने है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से लाइव इस वक्त दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम रामलला से के मंदिर से निकलेंगे और सड़कों पर आएंगे, सड़क पर पीएम का रोड शो शुरू होगा, उनकी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार है, रोड जो है वो खचाखच भरी हुई है। और अब जो मैं देख पा रही हूँ कि सड़क पर हलचल बढ़ गई है, जो सिक्योरिटी है उसकी गश्त जो है वो एक बार बढ़ा दी गई है, ताकि एक बार पीएम के इस सड़क से गुजरने से पहले यहाँ एक बार फिर से सिक्योरिटी चेक जो है वो कर लिया जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां जो हैं उनके मूव होना शुरू हो गया है, गाड़ियों का मूव होना शुरू हो गया है, और जो पुलिस सिक्योरिटी है, जो एसपीजी सिक्योरिटी है, जो कमांडोज हैं, उनकी गश्ती जो है वो सड़क पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि पीएम अब से कुछ ही देर बाद मंदिर से बाहर निकलेंगे। अब देखिए आरती पीएम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और रामलला की मनमोहक तस्वीर आपके आंखों के सामने है। पीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने के बाद अब इस दरबार से थोड़ी ही देर में पीएम बाहर निकलेंगे और फिर पीएम का जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा, वो तस्वीरें भी आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। देखिए आज अयोध्या नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें अयोध्या में देखने को मिली थी। और जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रभु श्री राम अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, तभी से लगातार यहां पर भक्तों का तांता लगता है। अलग अलग कोने से देश के यहाँ राम नाम का जाप करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, और आज का मौका इसलिए खास है कि पीएम रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं वो यहाँ रोड पर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पुलिस को व्यवस्था बनाना बड़ा कठिन है, हम देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है, इतना खचाखच ये पूरा एरिया भरा हुआ है कि व्यवस्थाओं को बनाने में मुश्किल पुलिस को हो रही है। लेकिन लोग हैं जो पीएम को देखना चाहते हैं, और रामलला का मंदिर बना उसका क्रेडिट कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, और राम मंदिर
मंदिर कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है और क्या अयोध्या में आज पीएम के रोड शो करने से, अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो चुनाव की लहर है वो बदल जाएगी? जो दो चरणों में धीमा चुनाव हुआ, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? ये अब सारी बातें हैं जिस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। फिलहाल रामलला को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और पीएम अब अपना रोड शो जो है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, जैसा हम देख रहे हैं, हलचल बढ़ गई है राम मंदिर के गेट के बाहर। जो राम पथ है वहाँ पर हलचल बड़ी है, गाड़ियाँ तैनात हैं और पीएम थोड़ी ही देर में, और देखिए अब पीएम अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ हैं पीएम और हाथ जोड़कर उनका